गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर. आज का हमारा टॉपिक का टाइटल है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये टॉपिक एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, आपके पेपर थर्ड जो कि जेनेटिक्स है उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है. मेंडल के लॉज में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, जिसमें कि दो एलिल्स में से जो भी करैक्टर डोमिनेंट होता है वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में अपने करैक्टर्स को शो करता है. वो कोई भी हो सकता है अपने करैक्टर को शो करने के लिए, पर वो करेक्ट जो भी हैं डोमिनेंट होना चाहिए. यहाँ दो टर्म्स जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी. इनकम्प्लीट डोमिनेंसी अकर वैन देयर इज़ नो रिसेसिव और डोमिनेंट एलिल्स. ये कंडीशन तब होती है जब हिट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी रिसेसिव और डोमिनेंट एलिल्स नहीं होते. द एलिल्स आर बोथ एक्सप्रेस्ड एंड शोन अप एज अ मिक्सचर ऑफ टू फिनोटाइप्स. यहाँ पर दोनों के जो लक्षण हैं वो मिक्सचर के रूप में या ब्लेंड होकर शो होते हैं. जैसे इन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी इज वैन अ डोमिनेंट एलिल और फॉर्म ऑफ अ जीन डज नॉट कम्प्लीटली मास द इफेक्ट ऑफ अ रिसेसिव एलिल. जैसा कि मेंडल की डोमिनेंस के लॉ में होता है, जो डोमिनेंट एलिल होते हैं वो रिसेसिव के करेक्टर्स को कम्प्लीटली मास कर देते हैं, छुपा देते हैं, जिससे वो करेक्टर्स शो नहीं होते. पर यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में ऐसा नहीं होता है. And the organism resulting physical appearance show a blending of both alleles. It is also called semi-dominance or partially dominance. इसका कुछ example देखने को मिलता है. चूँकि जो Mendel थे उन्होंने pea plant पर work किया था, तो उन्हें इस तरह की जो characters थे या इस तरह के कुछ अलग से result उन्हें नहीं मिले थे. बाद की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्क किया, और जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए 4 o'clock और फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होमोजाइगस रेड फ्लावर जो कि डोमिनेंट करेक्टर होता है और वो रेड एलिल को शो करता है, और इसे यहाँ पर कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है. इसी तरह से होमोजाइगस वाइट फ्लावर रिप्रेजेंट होता है, रिसेसिव करेक्टर होता है ये, और स्मॉल आर आर से इसको डिनोट किया जाता है. जब ये हिट्रोजाइगस कंडीशन में होता है जिसमें कि कैपिटल आर और स्मॉल आर होते हैं, तब यहाँ पर जो फ्लावर का कलर है वो पिंक होता है. एक बार वापस समझिए, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलिल्स एक साथ होते हैं तो फ्लावर का जो पेटल के कलर्स होते हैं वो रेड होते हैं, और जब ये रिसेसिव होते हैं तो फ्लावर के पेटल का कलर वाइट होता है, लेकिन हिट्रोजाइगस कंडीशन में पिंक होता है. अकॉर्डिंग टू डार्विन ये पिंक की जगह रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ करेक्टर्स या लक्षण इस प्रकार के हो रहे हैं कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो रिसेसिव करेक्टर को पूरी तरह से बिल्कुल मास छुपा नहीं पा रहा है. इन दोनों के लक्षण यहाँ पर ब्लेंड होकर प्रदर्शित हो रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑफ F1. व्हेन द F1 जनरेशन क्रॉस पॉलिनेटेड देयर ऑफस्प्रिंग विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. जिसका जो रेशियो है वो 1:2:1 प्राप्त होता है. सम ऑफ their offspring will inheritant two R alleles, some will inheritant R small R alleles and some will inheritant in both. इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, जहाँ एक रेड डोमिनेंट करेक्टर के फ्लावर का क्रॉस स्मॉल रिसेसिव करेक्टर के फ्लावर से कराने पर जो फ्लावर्स प्राप्त हुए हैं वो सभी पिंक कलर के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये
हिट्रोजाइगस कंडीशन है और ब्लैंड होकर आए हैं, तो शो करता है ये कोडोमिनेंस को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, सॉरी. दिस रिजल्ट इज अ फिनोटाइप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स एंड अपीयर्स टू बी मिक्सचर ऑफ बोथ. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस जिसमें कि दोनों के लक्षण आएंगे, इनमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है. इनकम्प्लीट में कोई तीसरा लक्षण आएगा, लेकिन कोडोमिनेंस में अगर हम एग्जांपल देखें तो कोडोमिनेंस अगर व्हेन टू हिट्रोजाइगस एलील्स आर फुली एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर दोनों जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं, दोनों के लक्षण प्रकट होते हैं, यहाँ लक्षणों की ब्लेंडिंग नहीं होती या कोई भी जो करेक्टर्स हैं वो ब्लेंड नहीं होते. नाइदर एलील्स कैन डोमिनेट सो दे बोथ शोन अप, यहाँ पर कोई डोमिनेंट नहीं होगा, दोनों डोमिनेंट होते हैं और दोनों शो होते हैं, बट दे डू नॉट ब्लेंड. इंस्टेंट ऑफ वन ट्रेंड बींग डोमिनेंट ओवर द अदर बोथ ट्रेंड्स अपेयर, बस इतना सा डिफरेंस है, वहाँ ब्लेंडिंग हो जाती है, यहाँ ब्लेंडिंग नहीं होती, अपेयर दोनों होते हैं. इन कोडोमिनेंस बोथ एलील्स कैन बी सीन इन दी फिनोटाइप एट द सेम टाइम दैट शो पैचेस. अब जैसे कि हम सेम एग्जांपल फ्लावर का कलर लें और उसको कोडोमिनेंस के तरह समझें कि क्या होगा कोडोमिनेंस अगर होंगे तो यहाँ पर रेड और वाइट फ्लावर के साथ हमें कुछ इस तरह के फ्लावर्स भी मिलेंगे जिसमें कि एक फ्लावर पैचेस होंगे, उसमें एक रेड और वाइट के पैचेस होंगे, इसका मतलब वो कोडोमिनेंस को शो करता है. एज विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस द एफ टू जनरेशन फ्रॉम हिट्रोजाइगस प्लांट विल हैव द रेशियो 1:2:1 ऑफ रेड स्पॉटेड एंड वाइट फ्लावर, क्योंकि वहाँ पर थे रेड पिंक एंड वाइट, यहाँ पर रेड है स्पॉटेड है एंड वाइट है. जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि वाइट काव जो है इनका क्रॉस रेड काव से कराए जाते हैं और ये दोनों ही कैपिटल आर से डिनोट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर वाइट डब्ल्यू लिखा जा रहा है और ये यह रेड. अब जो हमें काव इन दोनों के क्रॉस से मिल रही हैं उनमें दोनों के करेक्टर्स हैं जिसमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट पैचेस और ये रेड पैचेस, जिसको कि रॉन कहा जाता है. अनदर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप का है जो कि हम सभी जानते हैं. एबीओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों साथ में रहते हैं, जिसमें ए के भी और बी के भी दोनों के लक्षण होते हैं और वो कोडोमिनेंस की कैटेगरी में आते हैं. द एफ वन जनरेशन एग्जिबिट बोथ द पेरेंटल करेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. द ऑफस्प्रिंग विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स. द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर बी सी सच एज ए बी ए बी ओ विथ और विदाउट आर एच फैक्टर, जिसमें आर एच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव हम जानते हैं. द डिफरेंस इन इज इन द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस विच डिटरमाइंस द स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज ब्लड ग्रुप ए, इट मीन्स द आर बी सी सरफेस कंसिस्ट ऑफ एंटीजन ए और उसमें एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी, बट दिस इज डिसाइडेड बाय द जीन आई. द जीन आई हैव थ्री टाइप ऑफ एलील्स, नेमली आई ए आई बी एंड स्मॉल आई. द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस टू डिफरेंट एंटीजन्स वाइल द एलील आई डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन. हैंस एलील आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर एलील आई. In the above example, a person with blood group A indicates that he has an IA and small I pair of alleles. This is because the alleles I is recessive, is character, and no antigen is produced. However, a person who possesses both the alleles of IA and IB, they have blood group AB, जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं.
जीनोटाइप और ब्लड टाइप में, यहाँ दोनों टाइप के जीनोटाइप होने की वजह से ये ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंट को शो करता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ एलील आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट. बोथ द जीन्स विल प्रोड्यूस देयर टाइप ऑफ एंटीजन्स. थैंक यू.